हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन। आज आप सबका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का पेपर हुआ था जो यूनियन शिफ्ट में, उसका सोल्यूशन काफ़ी डिमांड आ रही थी। एक्चुअली मैं अभी वहाँ पे हूँ नहीं सिस्टम पे, जहाँ पे मैं कुछ आपको व्हाइट बोर्ड में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिटर्न माध्यम में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो पेपर था काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर आया था, ठीक है। एक तरह से कह दिया जाए, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का पेपर था, उस हिसाब से ये पेपर कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। हम चलिए उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए, आपका मेरे पास जो सेट आया था, उसमें का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 के साथ क्रमशः 3 × 3 के सभी संभावित मैट्रिक्स की संख्या है। आपको बताना है यहाँ पे सभी संभावित मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, ये प्रश्न देखिए क्या है, आपको यहाँ पे बताना है सभी संभावित मैट्रिक्स की संख्या, ठीक है। तो सभी संभावित मैट्रिक्स की संख्या बताने के लिए आप ऐसे समझो, जब मैट्रिक्स बनाते हो तो आप कहाँ बनाते हो, यहाँ पे 3 × 3 कर रहा है, यानी यहाँ टोटल कितने मैट्रिक्स बन आएंगे, स्थान टोटल आएगा 9। अब ये बताओ, एक ही पॉइंट पे, ठीक है, अगर एक पॉइंट है कोई सिंगल, इस पे आप कितनी संख्याएं रख सकते हो, 0 और 1 रखना है आपको, ठीक है। यानी एक स्थान पे 2 संख्या रख सकते हो, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। तो कुल आने की संभावना कितनी हो जाएगी, टोटल 9 स्थान है, तो इसको कैसे करोगे, एक स्थान पे आप 2 संख्याएं रख सकते हो, टोटल 9 स्थान है, यानी 2 की पावर 9 होगा और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 512। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया है, एक 6 सेंटीमीटर ऊंचा खंभा 2 × 2√3 मीटर लंबाई परछाई मैदान पर डालता है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना था, और था ये कितना, इसकी देखिए हाइट दी थी 6 और इसका बेस कितना दिया था, 2√3। तो क्या करोगे, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, रख दोगे हाइट का मान आपका दिया था 6 रख दिया और बेस इसका रख दिया 2√3, और टेन थीटा की क्या सॉल्व करेंगे, √3 आएगा, और √3 टेन थीटा किस केस में वैल्यू होता है, 60 के केस में, यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें x²-7x+12=0। तो आपको दिया था मूल के लिए समीकरण को हल करना, यानी x1 और x2 की वैल्यू बतानी थी। देखिए, समीकरण था x²-7x+12=0। तो जब हम इसको सॉल्व करते, आप इसमें क्या करते हो, 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने घटाने कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 × 3 = 12 होता है, यानी -4x-3x करेंगे, हमको -7x मिल जाएगा, ठीक है। जब हमको -7x मिल गया, तो यहाँ से आगे किया, अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, इसमें से x कामन ले लिया, x-4 हो गया, और यहाँ से आपने कामन लिया है -3, तो आ गया यहाँ पे x-4। तो यहाँ से देखिए x-4 कामन ले लोगे इसमें से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा x-4, बचेगा कितना, x और 3। तो यहाँ पे आ गया आपका x-3=0। तो x बराबर आ गया 3 और यहाँ पे आया x = 4, यानी x1 = 3 हो जाएगा और x2 = आपका आ जाएगा 4। ये आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ था। फ्रेंड्स देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, दिया है आपको यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या संख्या का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कितनी होती है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए 1 तो इकाई अंक हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 3 भी आपकी आती है अभाज्य संख्या में, ठीक है। 3 भी जब आपका अभाज्य संख्या में आ जाएगा, तो बचेगा कौन सी, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी मिली 4, ठीक है। और आपको निकालना था 2 और 4 का मासा पूछा था, तो 2 और 4 का मासा होगा फ्रेंड्स 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए कट गया है, 2 और 4 का मासा आपका कितना आ जाएगा, 2, और ये आपके दिया था 79 क्वेश्चन के ए ऑप्शन में, यानी 2 और 4 का मासा हो जाएगा 2। दोस्तों देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका था, दिया था एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक, 2 हिट्स प्राप्त करने की संभावना या प्रायिकता ज्ञात करना था आपको। देखिए, जब एक सिक्के को आप उछालोगे, ठीक है, जब कभी भी एक सिक्के को उछालोगे, तो कुल यानी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, टोटल मिलेंगे आपको 8 रिजल्ट, ठीक है। या तो 3 बार हो सकता है हेड हेड मिल जाए, या 2 बार हेड मिले 1 बार टेल मिले, या तो पहली बार हेड मिलेगा, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड मिले, या पहली बार टेल मिलेगा, लास्ट के दोनों टाइम क्या मिलेंगे, हेड हेड मिलेंगे। उसी तरह यहाँ पहली दोनों टाइम क्या मिल जाए, टेल मिल जाए, बाद में हेड मिले, या फिर टेल
हेड और टेल मिले, या पहली बार हेड बाद में दोनों बार क्या मिल जाए टेल, या तो तीनों बार आपको मिल जा सकता है टेल, ठीक है, या तो तीनों बार आपको क्या मिल जाए टेल। तो यानी टोटल 8 कंडीशन होंगी आपकी जब सिक्के को उछालोगे। तो अब देखिए आपसे क्वेश्चन ने पूछा था ये बताइए ठीक दो बार हेड आने की प्रायिकता क्या है, टोटल रिजल्ट आपके कितने हैं 8, हमको रिजल्ट मिल गए 8। अब देखेंगे ठीक दो बार हेड कब आता है, देखिए दो बार हेड यहाँ पे आया है, दो बार हेड यहाँ पे आया है, दो बार हेड यहाँ पे आया है और कहीं नहीं आया, ठीक दो पूछा है, हेड दो बार यहाँ भी आता है लेकिन यहाँ तीन बार आया है और क्वेश्चन में आपसे ठीक दो बार कहा था, ठीक है, इसलिए हमको ठीक दो बार कितनी बार मिलता है केवल यहाँ तीन बार मिलता है, इसलिए हमारी प्रायिकता हो जाएगी 3/8। टोटल रिजल्ट आपके थे 8, उसमें से तीन बार संभावना है हेड आने की ठीक दो बार, ठीक है। तो यानी रिजल्ट आपका हो गया कितना 3/8। लेकिन अगर आपको दिया होता अगर केवल दो हेड आने की प्रायिकता पूछता, ठीक है, कि दो बार हेड कब आएगा, तो यानी ये 4 रिजल्ट हो जाते हैं आपके सामने, कितने, क्योंकि यहाँ भी तो दो बार हेड आया था, तब आप कर देते 4/8 यानी आंसर आ जाता है 1/2। लेकिन जो आपका प्रश्न आया था उसमें पूछा था ठीक दो बार हेड आने की प्रायिकता, तो आंसर हो जाएगा आपका 3/8। फ्रेंड्स जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें दिया था 64^1/2, 1/2 का मतलब रूट होता है, ठीक है, यानी रूट 64 की वैल्यू बतानी थी और रूट 64 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दिया था उस रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3, 3 और 2/6 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है। देखिए जब भी कभी भी आपको दो बिंदुओं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, अगर उसकी प्रवणता निकालनी हो, ठीक है, यानी ढलान निकालना हो, ठीक है, यम की वैल्यू निकालना हो, तो इसका फार्मूला क्या होगा, -1/(y2 - y1)/(x2 - x1), ठीक है, इसी पे रख के आपको निकालोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी -7/3, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका -7/3। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x2 - x1 ऊपर कर लो अपान y2 - y1 नीचे कर लो, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यानी आंसर आपका कितना आएगा इसमें -7/3। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूछे गए हैं और प्रायिकता मिला के। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल दिया था 45 और इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया था 468, ठीक है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए ये क्वेश्चन आप चाहे जितने मेथड से कर लो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इसको ऑप्शन से करो, ठीक है, जैसे दिया था सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आप सबसे बड़ी देखा पहले आपको मिलेगी 21, ठीक है, आपको जब 21 मिलती है तो आप उससे चेक करते हो कि कहीं ऐसे उससे नंबर ढूंढो कि आपको मिल जाए यहाँ पे 45, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, काफ़ी ट्राई करोगे तब भी नहीं मिलेगा, दूसरा नंबर आपको मिलेगा 18, आप जब 18 लिया, ठीक है, अब फिर उससे कम किया, जैसे पहले एक बार 16 ट्राई करो, 18 16, फिर 2 कम किया है, फिर 12 14 करोगे, ठीक है, 18 16 14, क्योंकि दिया है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में क्या होती है संख्याओं के बीच का गैप हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है, तब हाँ वो किया तब भी नहीं मिला, फिर चेक कर लो 18 लिया 15 लिया, फिर 3 कम कर दिया 12, देखा इनका योग हो रहा है 45 की नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में दिया था इनका योग 45 है तो इनका योग 45 भी हो रहा है, और कहता है इनका गुणनफल दिया था, सॉरी, इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योग दिया था आपको 468, तब जब 18 का स्क्वायर करोगे 324 होगा और 12 का स्क्वायर करोगे 144 होगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 468, यानी सबसे बड़ी संख्या आपको हो जाएगी यहाँ पे 18, और अगर आपसे पूछा होता सबसे छोटी संख्या बताओ तो हो जाता 12, ठीक है, आप बाई ऑप्शन इसको आसानी से कर सकते थे। फ्रेंड्स देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्थापन के बिना, यानी आपको विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, प्रतिस्थापन के बिना 2 पत्ते 52 पत्तों के पैक से यादृच्छता निकाले जाते हैं, आप कितनी संभावना से कह सकते हैं कि दोनों पत्ते काले होंगे। देखिए आपको इसमें करोगे क्या, ठीक है, इसका आंसर आएगा, आप पहले देख लीजिए, इसका आंसर आएगा 25/102। अब आएगा कैसे हम देखते हैं, ये बताओ टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, ठीक है, उसमें काले पत्ते कितने होते हैं, आपको पता है 4 तरह के पत्ते होते हैं उनको जो भी कहते हो आप, लेकिन टोटल काले पत्ते कितने होते हैं 26, और टोटल लाल पत्ते कितने होते हैं 26, ठीक है, टोटल काले पत्ते भी 26 होते हैं, लाल पत्ते भी 26 होते हैं, यानी एक पत्ता निकाले जाने की प्रायिकता कितनी होगी 26/52।
अब देखिए, जब दूसरा पत्ता निकालना होगा आपको, एक पत्ता तो निकाल लिया आपने, 26/52 उसकी प्रायिकता मिल गई, ठीक है। लेकिन जब आपको दूसरा पत्ता निकालना होगा तो एक पत्ता ऑलरेडी कम था, यानी अब पत्ते कितने बचे थे आपके कार्ड में, 51, ठीक है। और काले पत्ता भी एक निकल चुका था, जब एक पत्ता काला निकल चुका था तो काला पत्ता भी बचा था आपके पास 25, यानी दूसरा कार्ड ब्लैक आएगा इसकी संभावना आपके पास बचती है 25/51। जब दूसरा कार्ड ब्लैक आएगा इसकी संभावना बची 25/51। तो अब पूछा है दोनों कार्ड ब्लैक आने की संभावना कितनी होगी, तो इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए 26/52 गुणे 25/51, और इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 25/102। फ्रेंड्स देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण की भुजाओं की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी है, कर्ण की लंबाई क्या होगी आपसे पूछा है। देखिए, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी थी, एक 8 सेंटीमीटर थी और एक 6 सेंटीमीटर थी, ये लंब हो जाएगा आपका और ये आधार होगा, तो ये जो दूसरी तीसरी साइड बचेगी ये कर्ण होगी। और इसको कैसे निकालते हो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। या बहुत से लोगों को ट्रिपलेट याद होगा, 6 8 10 होता है, 3 5 4 होता है, ठीक है, इस तरह के ट्रिपलेट होते हैं, उस अगर याद होगा तो आप देखते ही बता सकते थे कितनी होगी इसकी कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये भी उससे दिया है आपको प्रायिकता से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, दिया है आपको एक परिवार में दो बच्चे हैं, ठीक है। कहता है यदि वह दिया गया हो कि उनमें से कम एक लड़का, यानी दोनों बच्चों में एक लड़का कंफर्म है, ठीक है। अब कहता है ये बताओ क्या संभावना है कि दोनों बच्चे लड़के होंगे। देखिए, अगर एक लड़का कंफर्म होगा तो आपकी संभावना क्या क्या बनेगी, या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या तो एक पहला लड़का होगा दूसरी लड़की होगी, या तो पहली लड़की होगी दूसरा लड़का होगा, यही तीन संभावना बनती है, यानी आपकी टोटल संभावना कितनी बनी, 3। अब दोनों लड़के होंगे इसकी कौन सी संभावना बनती है, केवल एक कंडीशन बनती है दोनों लड़के होने की, तो यानी आपकी टोटल दोनों लड़के होने की संभावना कितनी होगी, 1/3। कुल संभावना थी 3, उसमें से एक ऐसी संभावना थी जिसमें दोनों लड़के हो सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन है, एपी का सामान्य सार्व अंतर होगा जिसमें ए 25 - A 12 = -15, यानी 25वां पद आपको दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे 25वां पद आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है, 25वां पद और 12वें पद का अंतर दिया है क्वेश्चन में -15। तो देखिए, आपको पदों की संख्या कैसे निकालते हो जी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिख नहीं सकते, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसी भी पद का मान निकालना हो कितना होगा, जैसे 25वां पद का मान कितना होगा, ए प्लस एन माइनस वन, यानी 25 - 1 इंटू डी करोगे तो 25 में 1 जाएगा, यानी 24d बचेगा। उसी तरह आपको 12वां पद निकालना था तो यहाँ जाएगा a प्लस 11d, और इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में दिया था 52, तो आप इसी को सॉल्व कर दोगे, आप फ्रेंड्स इसी को सॉल्व करोगे तो आपको d की वैल्यू आ जाएगी -4, यानी इस प्रश्न में d का मान कितना आ गया, -4। आपसे यही पूछा था सार्व अंतर कितना होगा, यानी -4 का अंतर होगा, ठीक है, ये आपके दिया था बी ऑप्शन में। फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी आपका समांतर श्रेणी से है, इसमें दिया है एपी में 3 संख्याएं, यानी समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का योगफल 27 है और गुणनफल 648 है, तो आपको बताना है संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन हो, आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसे गुणे जोड़ के करने वाली सवालें हो, तो आप इनको ऑप्शन से करा करिए। आपको यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन दिए थे, तो आपको सीधे चेक कर लेना था इनका कितने का गुणा कराएं, 648 हो जाएगा, और कितने को जोड़ दे तो आपको 27 हो जाए। जैसे देखिए आप, जैसे आपके यहाँ जाओ पहले ऑप्शन में मिलता है 6 9 15 12, कितना होगा 27। बी ऑप्शन में जाओगे, ठीक है, 6 3 9 12 कितना हो जाएगा 21 ही होगा। तीसरे ऑप्शन में भी जाओगे 12 12 24 हो रहा है। चौथे में जाओगे 15 3 18 12 30 हो रहा है। यानी किसी भी ऑप्शन में पहले ऑप्शन को छोड़ दो तो तीनों को जोड़ने पे 27 हो ही नहीं रहा था। तो यानी हमको मात्र चेक करने के लिए केवल इतना देख लेना था, 3 संख्याओं को जोड़ने पे कहाँ 27 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे मिलेगा पहले ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 27 मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलता। हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए।
दोस्तों आपका अगला सवाल दिया था, इसमें दिया था कि एक क्यूबाइट का पार्श्व सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आयाम 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो। देखिए इस प्रश्न को कैसे करोगे, आपको दिया था इसके आयाम, ठीक है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2l + b × h, ठीक है, ये इधर से ही बना है। देखिए ये आपकी लेंथ होती है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक पृष्ठ ये यहाँ पे दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है, और एक इधर से होगा आपका ये कि पीछे वाला होगा। तो ये चार पृष्ठ हो गए, इनका निकालना था यानी 2l + 2bh होगा। ऊपर और नीचे का छोड़ के छत और फर्श छोड़ के निकालना था, ठीक है जी। आपको अगर छत और फर्श शामिल कर देते हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2l + b × h, ठीक है, चाहे उस पर रख दो चाहे आप ऊपर वाले फार्मूले पर रखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस प्रश्न का आंसर 89 का बी होगा, 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, 90 नंबर दिया था, बाइसिकल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी कोई पहिया घूमेगा, ठीक है, जब भी कोई पहिया घूमेगा तो यानी एक चक्कर लगाने में अपनी यानी पूरा वृत्त हो गया, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, यानी कोई भी पहिया एक चक्कर यानी 2πr दूरी चलता है, तो चक्कर कितने लगाता है 5000, यानी 2πr × 5000 का मान ही क्वेश्चन में दिया था 11 किलोमीटर। जब 2πr × 5000 का मान 11 किलोमीटर था तो हमने क्या किया, 11 किलोमीटर को पहले मीटर में बदला, ठीक है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कराया। अब आपको दिया था जितने भी ऑप्शन थे सारे सेंटीमीटर में, तो हमको पता है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी सेंटीमीटर में, और पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान निकाल लिया 35। जब आर का मान 35 आ गया तो आपसे व्यास पूछा था, त्रिज्या नहीं, ठीक है, तो व्यास के लिए क्या करोगे, त्रिज्या को डबल कर दोगे, यानी 70 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है 91, इसमें दिया था 8 प्रेक्षकों का, ठीक है, 8 अवलोकनों का औसत 25 है, यानी टोटल निकालोगे तो 25 इट्ठे हो जाएगा 200, और आगे कहता है यदि उसमें से 11 निकाल दिया जाए, अगर आप उसमें से 11 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 189। अब कहता है जब एक निकल गया यानी टोटल पहले जो 8 थे आपके पास, अब कितने बचेंगे 7, ठीक है, तो नया औसत पूछा था 7 से डिवाइड कर देंगे, 27 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया, यदि त्रिकोण के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सभी तीन कोण ज्ञात कीजिए। आपको तीनों कोण का मान बताना है, इनका अनुपात दिया था 2:3:4, यानी वैल्यू हो जाएगी 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, इनको जोड़ा 9x = 180 और x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। जब x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई तो आपसे पूछा था तीनों कोणों को मान बताओ, 20 का मान रख देंगे, यहाँ आ जाएगा 40 डिग्री, यहाँ आएगा 60 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। आपका 93 क्वेश्चन है, इसमें दिया था दो संख्याओं का एलसीएम 64699 और एचसीएफ 97 है, और संख्याओं में से एक 2231 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न में आप कैसे करते हो, आपको पता होगा एक फार्मूला एलसीएम एचसीएफ का, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर कितनी होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, तो पहली संख्या आपको दी थी 2231, दूसरी संख्या नहीं पती थी, पता था एलसीएम का मान दिया था 64699 और एचसीएफ दिया था 97, तो आप क्या करोगे दूसरी संख्या का मान निकाल लोगे 2813। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, दो संकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल 962.5 सेंटीमीटर और 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनके द्वारा बने वलय रिंग की चौड़ाई क्या होगी। देखिए संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है एक ऐसे वृत्त है इसका जो एक केंद्र होगा, इसके बाहर जो वृत्त बनेगा उसका दोनों केंद्र बराबर होगा, तो आपको इसी की चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है, इस रास्ते की चौड़ाई बताना है। तो आप क्या करो, पहले वाले आपने निकाला जिसका क्षेत्रफल 1386 था उसका निकाला पाई आर स्क्वायर बराबर 1386, आर की वैल्यू आ जाएगी 21। दूसरे वाले छोटे वाले के निकाला जो अंदर बना है पाई आर स्क्वायर बराबर 965.5 और आर की वैल्यू आ गई 17.5, तो आपसे पूछा था इस रास्ते की चौड़ाई, तो दोनों त्रिज्या को घटा दोगे वही रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी, यानी रिंग का वलय हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3.5। अगला क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 6, 7 अंकों का प्रयोग करके कितनी तीन अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 7 अंकों का प्रयोग करके, ठीक है,
तीन अंक की सम संख्याएं बनाओगे आएगा टोटल 60। देखो इसको हम नंबर सिस्टम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बता देंगे आपको, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आंसर आएगा 60, ठीक है, क्योंकि इसको वैसे समझाना थोड़ा कठिन पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। आंसर आप पता कर लीजिए आपका हो जाएगा 60। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है 96, ठीक है, 96 में दिया था के किस मान के लिए, ठीक है, या यदि बिंदु के का मान 3, 6, -2 और -3, 4 संरेख हो, ठीक है, तो के का मान क्या होगा। जब कोई चीज तीन बिंदु संरेख हो, देखिए उसका फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ठीक है, बराबर 0 होगा, ठीक है, अगर 0 आता है तब ये संरेख होंगे। तो आपको देखो x1 की वैल्यू के थी, ठीक है, और y2 और y3 की वैल्यू रखो, x2 वैल्यू 6 मिल जाएगी और x3 वैल्यू मिलेगी -3। इसी तरह y2 y3 सबकी वैल्यू रखोगे और सब 0 के बराबर रख दोगे, यानी जो x की वैल्यू रखोगे x1 की वैल्यू k, ठीक है, उसका मान आ जाएगा -3/2। अगला क्वेश्चन है यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए आप सबको पता होगा 2 पाई r होता है किसकी, ठीक है, वृत्त की परिधि होती है कितना, 2 पाई r, और आपसे पूछता है यहां पे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के लिए क्या करोगे, पहले 2 पाई आर को बाई 2 करोगे पाई आर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बचती है, ये आर और ये आर बढ़ जाता है क्योंकि वृत्त की परिधि किनारे किनारे होती है पूरी, ठीक है, जब ये आर और ये आर बढ़ जाता है तो इसको कर देते हो कितना 2r, ठीक है, परिधि या परिमाप का सीधा सा मतलब होती है पूरी बाउंड्री, ठीक है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक हो जाएगा कितना पाई आर, और ये जोड़ दोगे हो जाएगा 2r, ठीक है, यानी यहाँ पे रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया था, 4.2 सेंटीमीटर किनारे के एक घन से काटे जा सकने वाले महत्तम लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या क्या होगी। एक मान लेते हैं घन था, उसके अंदर कोई शंकु ये रखा गया, ठीक है, तो आपको ये देखिए घन की नीचे जितनी चौड़ाई होगी, ठीक है, ये जितनी है घन की चारों सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा 4.2 थी तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इतना ही चौड़ा तो घन रख आप शंकु उसके अंदर बना सकते हो, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी हाफ होगी शंकु की, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 4.2 का हाफ कर दोगे तो आ जाएगा आंसर आपका 2.1। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया था x प्लस आई वाई अगले ब्रेकेट में था 2 - 3y = 4+i, तो आपको बताना था x और y के वास्तविक मान क्या हो सकते हैं। तो देखिए जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो आपको कहीं पे i स्क्वायर मिल सकता है, ठीक है, याद रखना अगर i स्क्वायर मिलता है तो उसकी वैल्यू आप हमेशा कितना रखोगे -1, और जब आप इसको रख दोगे तो आपको यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा, आपको केवल मल्टीप्लाई करा के i की वैल्यू निकालना था, ये i था, तो आपको जब i स्क्वायर का मान रख दोगे यहाँ पे -1, तो आपको यहाँ पे केवल बचेगा x और y, उनकी वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू आ जाएगा 5/13 और y की वैल्यू आ जाएगा 14/13। और आपका लास्ट क्वेश्चन दिया था चॉकलेट के दो ब्रांड 24 और 15 के पैक में उपलब्ध है, यदि रमा दोनों प्रकार की चॉकलेट को समान संख्या में खरीदना चाहती है तो उसे प्रत्येक प्रकार के बॉक्स को कम से कम कितनी संख्या में खरीदना होगा। पहला दिया था, चार ऑप्शन दिए थे, ठीक है, अब देखिए 24 और 15 के पैक को क्या करना है कि उपलब्ध, यानी एक में किसी एक पैकेट में 24 चॉकलेट है और दूसरे में कितनी चॉकलेट है 15। अब आपको बतानी है उनकी यानी पहली चॉकलेट जो पैक है उसको कितना खरीदें और दूसरे को कितना खरीदें कि टोटल हमको जाके चॉकलेट दोनों तरह की हमको बराबर मिले। तो हमने 24 और 15 का एलसीएम लिया, 24 और 15 का एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 120। अब पहला आपको निकालना था कितना चॉकलेट खरीदे थे, यानी 120 में से 24 को डिवाइड कर दोगे तो यानी 5 डब्बे आपको पैक यानी पहले वाले के खरीदने पड़ेंगे, और 120 में से 15 डिवाइड कर दोगे तो यानी 8 चॉकलेट आपको दूसरे वाले खरीदने पड़ेंगे। अब देखिए 24×5=120 होता है, यानी पहले पैकेट वाला भी पहले टाइप का जो चॉकलेट था जो 24 का था, ठीक है, एक में जिसमें 24 थे वो भी 120 इसको मिल गई और जिसमें 15 थे वो भी इसको 120 मिले, ठीक है, यानी तो उसके चॉकलेट टोटल कितने होंगे, पहले वाला 5 और दूसरे वाला कितना आएगा 8, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न में क्या करते हो आप, हमेशा इनका 24 और 15 या जो भी यहाँ वैल्यू रहेगी उनका एलसीएम ले लोगे, यानी आपको टोटल इतने ही खरीदने हैं, इतने इतने, ठीक है, तो 120 खरीदना था 24 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 120 खरीदना था तो 15 से डिवाइड कर दिया, 5 पैकेट और 8 पैकेट आपका आंसर आ गया।
फ्रेंड्स देखिए, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी का पेपर था इसका सॉल्यूशन डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं था जिसकी वजह से हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, लेकिन मैं किसी वजह से बाहर था जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन दे नहीं सकता था व्हाइट बोर्ड में, अपनी कोशिश की, ठीक है। तो आप लोग आगे के एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। और हाँ, इस पेपर को लेके ये पेपर काफ़ी अच्छा था, ठीक है। और इस पेपर की एक खास बात ये थी कि इसमें क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछे जाते, ठीक है, जैसे आपका हो गया प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन हो गए, सीरीज क्वेश्चन हो गए, एपी के यही क्वेश्चन ज़्यादा है। आपके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज टाइम एंड वर्क, सी आई एस आई, रेशियो प्रोपोर्शन, इस तरह के क्वेश्चन तो इस पेपर से पूरी तरह से गायब थे। जितना ही आसान सुबह का मॉर्निंग शिफ्ट का ग्रुप डी का पेपर था, उसकी कई गुना अपेक्षा आपका ग्रुप सी का पेपर शाम वाला था, ठीक है। ये एक तरह से कहते जो हमको सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है उस सिलेबस से बिल्कुल हटकर पेपर था, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करके जैसा भी पेपर दिए होंगे अच्छा ही गया होगा, ठीक है। तो और दूसरी बात, परेशान नहीं होना है किसी को, क्योंकि सभी का पेपर टफ आया होगा, क्योंकि आपका ही अकेला पेपर टफ नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है, तो रखते हैं, चलिए, थैंक यू।